हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शर्मा फैमिली व्लॉग्स। आज है बुधवार और बज गए हैं दोपहर के 1:30 हो गए हैं और मैंने सारी घर की क्लीनिंग एंड ऑल सब काम कर लिए थे और मेरे को लग गई थी अभी भूख, तो मेरे को लगा कि कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये धनिया, गाजर, बीट रूट, अनियन और साथ में ये है क्यूकम्बर जो कि छोटे छोटे काट लिए हैं। और यहाँ पर मेरे पास है चने जो कि बॉयल्ड चने हैं, लाइक ये ऐसे ही आते हैं इसमें। और यहाँ पर है टमाटर थोड़े से, और एक लेमन काट लिया है मैंने ड्रेसिंग के लिए, और थोड़े से मेरे पास यहाँ पर अनार के दाने पड़े हुए थे, वो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने कर लिया है गैदर, और उसके लिए अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ये बॉल, बड़ा वाला मिक्सिंग बॉल, और इसके अंदर हम डालेंगे अभी अपने सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं इन चनों को धो लूँगी एक बार से, क्योंकि फिर भी ये सॉल्टी वाटर में है तो एक बार धुल जाए तो अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर धो के यूज़ कर लेती हूँ ऐसी चीज़ें। तो वैसे तो ऐसे भी खाने के लिए दे आर वेरी सेफ। तो चलिए फिर प्रेपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको धो लेती हूँ, और वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेनर ले लिया था, और आई डोंट नो इसके अंदर थोड़ा जैसे लग गया ना कि चने अंदर स्टक से हो गए होते हैं, वैसे हुआ पड़ा है। तो मैं इनको निकालती हूँ, अभी थोड़ा शेक करना पड़ेगा और ये चने बाहर। और ये वाले चने ना मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छे लगे, मैं तो ज़्यादातर बॉयल करके ही बनाती हूँ, और कभी कभी ये चना चाट वगैरह जो होती है ना उसके लिए मैं कैन ला के रखती हूँ एक्स्ट्रा में। कभी मन कर जाता है बच्चों का गोलगप्पे खाने हैं या चना चाट खानी है ना, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें ला के रख देती हूँ। बट ये पहली बार मैं ये वाले लेके आई हूँ, ये जार वाले, तो आई जस्ट लाइक देम, ये थोड़े से नाइस हैं, दे आर बिग इन साइज एज वेल, लिटल से लिए हैं, और आप भी ट्राई कर लेना। ये हो गया हमारे चने वॉश। सबसे पहले हम इस मिक्सिंग बाउल में ये चने ऐड कर देंगे, और चने मैंने डाल दिए, और उसके बाद हम एक एक करके ये सब जो इंग्रेडिएंट्स मैंने काट के रखे, चॉपिंग सब करके रख दी थी मैंने पहले ही, और ये सब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ये सारा सामान मैंने इकट्ठा करके इसको मिक्स कर लिया है गाइस, और इसके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ इवन हो जाए, चने भी और जो सैलड्स हैं वो भी। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे योगर्ट, और योगर्ट के साथ साथ इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर और नमक। उस दिन एक बात हुई कि मैं लेमन डालना भूल गई, मैंने काट के रखा लेकिन बातों बातों में लेमन ऐड करना भूल गई, और फिर जब मैंने इसको खा के देखा चख के, मैंने कहा अरे बाप रे लेमन का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, उन तो फिर मैंने अपनी प्लेट में लेमन डाल के इसको खाया। तो ये है दही, ये है रॉयल वालों का, तो ये 2 चम्मच दही डालूंगी। रॉयल वालों का जो दही होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है गाइज, इसके ऊपर ना मलाई भी आती है जैसे इंडिया इसमें मलाई आती है ना वैसी वाली, तो मैं ये जब भी लाती हूँ तो मैं इसके ऊपर से जो ज़्यादा नहीं डालता वो थोड़ा सा नहीं खाती हूँ मेरे घर में एक्चुअली में 2 स्पून है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। दही ऐड कर लिया गया है, और अब डालेंगे काला नमक, और साथ में डाल देंगे ब्लैक पेपर इसके ऊपर से। ब्लैक पेपर इज़ ऑलवेज गुड। ग्रीन चिली मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते हैं, तो अगर मैं अपने अकेले के लिए बनाती हूँ ना तो ग्रीन चिलीज तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डाल देती हूँ, एक्चुअली थोड़ी नहीं, क्योंकि मेरे को तो स्पाइसी बहुत पसंद है फूड खाना।
यहाँ पर हम थोड़ी सी मिंट सॉस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मिंट यू नो आपको तो पता ही है ऐसी चीज़ों में मिंट डाला जाए तो टेस्ट दुगना हो जाता है, तो उस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी सी चना चाट या सैलड, आप कुछ भी बोलो, विच इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ दही है तो कैल्शियम भी, तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी गुड थिंग टू ईट, कि जब आपको भूख लग रही है, लाइक आपने खाना भी खा लिया और 2-3 घंटे हो गए, घर का काम वाम कर लिया, अच्छा भूख लग रही है तो ये चीज़ें खाओ, तो दिस इज़ हेल्दियर हेल्दियर ऑप्शंस। तो मैंने बहुत टाइम से छोड़े हुए थे, लेकिन आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, क्योंकि लाइक यू नो हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज आजकल के टाइम में ना। ये हम सजाएंगे अपने लिए प्लेट, गोइंग टू सर्व माई सेल्फ टूडे फर्स्ट, क्योंकि घर पर बच्चे भी नहीं हैं और हस्बैंड भी नहीं हैं, सब गए हैं काम पे, आई मीन स्कूल, बच्चे स्कूल हैं। और ये देखिए इसकी डेकोरेशन हम करेंगे अनार से, अनार के सुंदर सुंदर दानों से, और खाइए इसको आप चटकारे लगा लगा के। इसमें इमली की चटनी जो भी आपका मन करे ना ऐसी, मतलब डालने के लिए, वो भी आप ऐड कर सकते हो। को तो गाइज यही है मेरी आज की रेसिपी, प्लीज़ आप घर पे ट्राई करना और इन्जॉय करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।